हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हमने इसका 9th पार्ट किया था और आज हम 10th पार्ट करने जा रहे हैं। 10th पार्ट का मतलब है हमारे 500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके होंगे। ये 10th पार्ट 10th पार्ट करते करते तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं ये पूछे जा सकते हैं HSSC के एग्जाम्स में, HPSC के एग्जाम्स में, ठीक है, बल्कि जहाँ भी हरियाणा के क्वेश्चंस हो वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सिलेबस में। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से करिएगा, बल्कि हरियाणा के लगभग सभी पेपर्स में हरियाणा के क्वेश्चंस तो होते ही हैं, तो आपका बहुत फायदा होने वाला है, ध्यान से करिएगा। एक और चीज़ करिए, अगर ये क्वेश्चन आपको लगता है ना आपके काम के नहीं है, तो कम से कम इतना कर लीजिए कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके भाई बंधु हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको आप शेयर करवा दीजिएगा ताकि उनको फायदा हो जाए। अगर आपके किसी काम के नहीं है तो उनको तो कम से कम फायदा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये करिएगा। तो स्टूडेंट्स 451 नंबर पे हम आ रहे हैं। हिसार में कांग्रेस की शाखा 1887 में शुरू हुई और रोहतक में कांग्रेस की शाखा 1888 में शुरू हुई। अम्बाला में भी कांग्रेस की शाखा 1886 में शुरू हुई थी। 1885 में कांग्रेस बनी थी, लेकिन अम्बाला में कांग्रेस की शाखा 1886 में शुरू की गई थी। और किसने की थी? लाला मुरलीधर ने की थी। फिर हिसार में 1887 में और रोहतक में 1888 में कांग्रेस की शाखा खुली थी, शुरू हुई थी। पंजाब विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? पहली बार 1937 में हुए थे, जिसमें यूनियनिस्ट पार्टी जीती थी, मैंने भी आपको बताया अभी। हरियाणा तिलक अखबार, जो कि एक उर्दू अखबार है, इसके संपादक पंडित श्री राम शर्मा थे और 1923 में ये अखबार बना था और ये उर्दू अखबार था, ये ध्यान रखना। दीनदयाल शर्मा अखिल भारतीय हिंदू सभा के संस्थापकों में से एक थे, तो भारत की निर्माण सभा के भी ये थे और हिंदू सभा के भी संस्थापक थे पंडित दीनदयाल शर्मा। पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा के झज्जर जिले में रहते थे, ये भी मैंने आपको बताया था कि झज्जर जिले से हैं पंडित दीनदयाल शर्मा। सनातन धर्म को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में भी पंडित दीनदयाल शर्मा का योगदान है। तो हिंदू सभा हो गया, सनातन धर्म के बारे में हो गया, तो आपने जहाँ भी सनातन धर्म, भारत निर्माण सभा, हिंदू निर्माण सभा, कुछ भी हिंदू सभा, कुछ भी ऐसा आ जाए तो पंडित दीनदयाल शर्मा को आपने टिक करना है वहाँ पे। हरियाणा समाचार पत्र के संचालक पंडित दीनदयाल शर्मा थे। तो दीनदयाल शर्मा दो तरह के अखबार निकालते थे, एक तो हरियाणा नाम से और एक पासना हचरियो नहीं सॉरी रिफायाम 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 एक तो हरियाणा और दूसरा रिफायाम। मांगेराम वत्स छोटू राम के खिलाफ चुनाव लड़े थे। तो छोटू राम जब चुनाव लड़े थे पहली बार, तो मांगेराम वत्स उनके प्रतिद्वंदी थे। सर छोटू राम ने जागीरदार लिंग की स्थापना की थी 1924 में। सर छोटू राम ने रोहतक में जाट गजट साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी और ये कब की थी? 1916 में। सर छोटू राम ने फजली हुसैन के साथ मिलकर पंजाब यूनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1923 में और 1937 में चुनाव लड़ी थी, अभी हमने देखा भी। 464 नंबर पे आ जाते हैं। तो छोटू राम ने कानून की शिक्षा आगरा कॉलेज से प्राप्त की थी। तो छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? आगरा कॉलेज से प्राप्त की थी। चौधरी छोटू राम का जन्म स्थान गढ़ी सांपला है। गढ़ी सांपला कहाँ पर है? रोहतक में आता है। चौधरी छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गढ़ी सांपला में हुआ था। चौधरी छोटू राम एक किसान नेता थे। रोहतक के जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था, ये ध्यान रखना कि कहाँ के जाटों पर आर्य समाज का अधिक प्रभाव था, तो रोहतक के जाटों पर आर्य समाज का अधिक प्रभाव था। जाट गजट अखबार 1916 में शुरू हुआ, साप्ताहिक पत्र था और किसने शुरू किया था? सर छोटू राम ने शुरू किया था। 470 में जाट गजट रोहतक से संपादित होता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस एडिटोरियल कार्टूनिस्ट शेखर गुरेरा थे, मतलब हैं या नहीं, खैर मैंने सुना नहीं है, मैं गलत बोलूं तो शेखर गुरेरा का नाम आता है, जो कि गुरुग्राम से हैं और फेमस एडिटोरियल कार्टूनिस्ट थे। वह कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जिसके नाम से साप्ताहिक पत्र निकलता था? तो मान सिंह के नाम से साप्ताहिक पत्र निकलता था, स्वतंत्रता सेनानी थे ये। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य था। पूरा नाम हेमू भी बोल सकते हैं इसको, हेमचंद्र विक्रमादित्य भी बोल सकते हैं, और ये अंतिम हिंदू शासक था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसको किसने हराया था? बाबर ने हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, बल्कि ये मर भी गए थे।
मोहम्मद आजम का संबंध हिसार जिले से था, ये 1857 की क्रांति के नेता थे और हिसार जिले से इन्होंने मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, इनका नाम था मोहम्मद आजम। मास्टर तारा सिंह सिखों के नेता थे। खालसा पंथ की स्थापना बैसाख महीने में हुई थी। बैसाख का महीना कब आता है आपका? अप्रैल में आता है, और जो आपकी बैसाखी होती है वो जनरली 13 या 14 अप्रैल की होती है। 1756-57 के दौरान हरियाणा मराठों के नियंत्रण में था, क्योंकि 1761 में अहमद शाह अब्दाली की लड़ाई हुई थी ना मराठों के विरुद्ध, तो 1756-57 से हरियाणा मराठों के नियंत्रण में आ गया था। काला अंब पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित है, तो काला अंब मतलब पानीपत की तीसरी लड़ाई को दर्शाता है। कुंजपुरा अहमद शाह अब्दाली की शक्ति का केंद्र था। कुंजपुरा कहाँ पे है? करनाल में है, और ये अहमद शाह अब्दाली की शक्ति का केंद्र था। कोस मीनार का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कोस मीनार का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। सूरदास अकबर के समकालीन थे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जो बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि कौन किसके समकालीन था, तो सूरदास अकबर के समकालीन थे। वह कौन सा जाट नेता था जिसने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूटा था? तो राजा राम मतलब जाट नेता थे, और सिकंदरा में इन्होंने अकबर के मकबरे को लूट लिया था। विलियम फ्रेजर की हत्या के षडयंत्र में शामिल व्यक्ति शमसुद्दीन करीम खां और अन्य थे। विलियम फ्रेजर की हत्या की थी इन लोगों ने, तो इनके नाम थे शमसुद्दीन करीम खान और अन्य। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो सिख विद्रोह हुआ था। वैसे तो कई विद्रोह हुए थे, सिख विद्रोह भी हुआ था, सतनामी विद्रोह भी हुए थे, तो यहाँ पे हम वो लिख सकते हैं। नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों से औरंगजेब की सेना ने भयंकर युद्ध किया था। देखो हुआ ना, तो नारनौल के क्षेत्र में सतनामी युद्ध हुआ था। अगर नारनौल की बात आती है तो सतनामी। नारनौल में बीरबल के छत्ते को राय मुकुंददास का छत्ता भी पुकारा जाता है, तो ये याद रखना कि नारनौल में जो बीरबल का छत्ता है उसको राय मुकुंददास का छत्ता भी कहा जाता है। 487 नंबर, फरीदाबाद के संस्थापक थे शेख फरीद। शाहजहां के समय बीरबल के छत्ते का निर्माण राय मुकुंददास ने करवाया था, तो बीरबल, इसलिए मैंने कहा है ना बीरबल के जो छत्ता है नारनौल में, जो बीरबल का छत्ता है उसे राय मुकुंददास का छत्ता भी कहा जाता है, और शाहजहां के समय में इसका निर्माण हुआ था इसलिए। सूरज कुंड का निर्माण सूरज पाल ने करवाया था, अभी मैंने हमने पढ़ा भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरी महल कहाँ पर है? हिसार में स्थित है। सर्पदमन सफीदों का प्राचीन नाम है, सफीदों कहाँ पर है? ये जींद में पड़ता है सफीदों, और सर्पदमन सफीदों का प्राचीन नाम है। हरियाणा के थानेसर में स्थित शेख चिली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत बार पूछा जाता है हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं, हरियाणा का ताजमहल हरियाणा के थानेसर में स्थित शेख चिली के मकबरे को कहते हैं। ये शेख चिली कौन थे? दारा शिकोह के गुरु थे। दारा शिकोह कौन है? शाहजहां का बेटा था दारा शिकोह। राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर है? बल्लभगढ़ में स्थित है। बल्लभगढ़ कहाँ पे है? फरीदाबाद में। प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल होडल में स्थित है, और होडल कहाँ पर है? पलवल में है। किशोरी महल की बात आ जाए तो वो होडल में है। कर्ण का किला थानेसर में है। कर्ण का किला करनाल में लिख देना, करनाल में जो है वो कर्ण लेक है, जबकि कर्ण की किला कहाँ पे है? थानेसर में है। शेख चिली का मकबरा कहाँ पे है? थानेसर में है। माधोगढ़ का प्राचीन किला कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। माधोगढ़ का प्राचीन किला याद रखना, माधोगढ़ का प्राचीन किला कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। अंग्रेजों की सहायता कहाँ किस किस ने की थी? पटियाला जींद और कैथल की रियासतों ने की थी, तो ये कुछ रियासतों के मतलब जो राजा थे वो गलत थे और उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, पटियाला जींद और कैथल के। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के हिसार रोहतक और गुरुग्राम जिलों का योगदान रहा, तो अगर हरियाणा से क्रांति की बात की जाए तो इन जगह से जो था काफ़ी योगदान रहा था, हिसार रोहतक और गुरुग्राम जिला। जबकि 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में कहाँ से हुई थी? अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। हरियाणा 1857 की क्रांति का बीज अंबाला छावनी से शुरू हुआ। हरियाणा में अंबाला छावनी की शुरुआत कब कहाँ बनी थी? कब बना था अंबाला छावनी हरियाणा में? 1843 में बना था, और 1857 में, इसमें 1857 की क्रांति की पहली शुरुआत हुई थी अंबाला में ही। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी क्वेश्चन ध्यान से करते रहिए।
आपके आने वाले एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो HSSC के एग्जाम्स हो, HPSC के एग्जाम्स हो, तो इनमें उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको लगता है कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ रखे हैं आपके मतलब के नहीं है, तो अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।